महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और उन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस को दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी दो दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए इस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वह एक हेमा नाम का शासक था, उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त का भी संयोग बन रहा है और इस योग में खरीदी करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। यह मुहूर्त 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस बीच में खरीदी कर सकते हैं। पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी की जाती है। इस दौरान फूल झाड़ू को घर लाना और लाभकारी माना जाता है। यदि आप धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर घर ला रहे हैं तो पहले उस पर सफेद रंग का धागा बांधें। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। खुशियाँ दे रही हैं आहटे, रंगोली से सच गई हैं चौखटे, आया है शुभ दीपावली का त्योहार, दिलों में प्यार का रस खोली। दीप जगमगाते रहे, सबके घर झिलमिलाते रहे, साथ हो सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहे। रंगोली के रंगों जैसे जीवन में रंग भर जाए, आपको इस दिवाली में खुशियों का सैलाब उमड़ाए। दियों की जगमगाहट से दूर हो आपके जीवन का अंधकार, इस दीपावली सभी के सपने हो साकार। दीपों का ये पावन त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां हजार। सजी रंगोली और जलते दियों के साथ आपके घर हो खुशियों की बरसात। हंसते मुस्कुराते ये दीप तुम जलाना, अपने जीवन में नई खुशियों को तुम लाना। दुख दर्द भूल कर सबको गले लगाना और प्यार से ये दिवाली तुम मनाना। आप सभी को महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।